वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं अनीका उस्मान। अमेरिका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का जो ऐलान किया है, इस बारे में बास मुबसरीन का कहना है कि इसके नतीजे में खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है, जबकि वाशिंगटन के एक थिंक टैंक के मुताबिक ये पाबंदियां मुअसर साबित होंगी। तफसीलात खौकफ शोरी की रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन तीन दहाइयों से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं और ताल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है। अमेरिका की जानिब से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर एतराजात और इराक पर अमेरिकी हमले के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। हालिया बरसों में अमेरिका ईरान पर इराक और मशरिक वस्ता के दीगर इलाकों में बदमनी और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाता रहा है और ईरान के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियां लगवाने के लिए आलमी बरादरी को मुतहरिक करने की कोशिशें कर रहा है और अब ईरान पर अमरीका की जानिब से नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। ये पाबंदियां ईरान के तीन कौमी बैंकों, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड और 20 ईरानी शहरियों पर आयद की गई है, जिन पर अमरीका ने यह इल्जाम आयद किया है कि वो मशरिक वस्ता में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ईरान के मामले पर तशवीश रखने वाले दीगर ममालिक के साथ मिलकर एक ऐसी हमा जहद पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं जिससे ईरान के खतरनाक इरादों से निपटा जा सके। अक़वामे मुत्तहिदा के जरिए ईरान पर पाबंदियां आयद किए जाने के साथ साथ अब अमरीका ईरान पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर रहा है, जिनके तहत कोई अमरीकी शहरी पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद और कंपनियों से कारोबार नहीं कर सकेगा और अमरीका में उनके असासे जब्त कर लिए जाएंगे। वाशिंगटन में कायम एक मारूफ थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के जारी करदा एक पेपर के मुताबिक ईरान पर यह पाबंदियां आयद किया जाना जरूरी था और अगर दीगर ममालिक भी ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दें तो ईरान को उसके खतरनाक इरादों से रोका जा सकता है। लेकिन मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ईरान के उमूर के माहिर डॉक्टर फारूक हसनात इस राय से मुत्तफिक नहीं है और समझते हैं कि इस फैसले से खित्ते की सूरत हाल पर मनफी असरात होंगे। खित्ता डिस्टेबलाइज होगा, इसमें कशीदगी बढ़ेगी और इसमें जो टेररिज्म के खिलाफ अमरीका के इकदाम हैं वो नहीं सही तरीके से हो सकेंगे बल्कि इसमें और बहुत सी कशीदगियां पैदा होंगी। इससे कबल कांग्रेस की बैन अल-अक़वामी उमूर की कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए अमरीकी वजीर खारजा कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर इशू पर अमरीका दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन बाज़ माहिरीन के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला खालिसतन तकनीकी बुनियादों पर डील किया जाना चाहिए। जहां तक ईरान का एटमी मामलात का ताल्लुक है वो तो सिक्योरिटी काउंसिल करे या आईएईए करे, क्योंकि आईएईए टेक्निकल बुनियादों पर और वही एक अदारा है जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है इस किस्म के मामलात को तय करने में। दूसरा फिर सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मामलात जाते हैं, वो तय करते हैं। यूनिलैटरली इन मामलात को तय नहीं किया जा सकता। कौकब, जैसे अमरीकी हुकूमत अपने पैकेज में दिखाया कि उनका कहना है कि उन्होंने सैंक्शंस प्रोलिफरेशन एक्टिविटी और टेररिज्म को रोकने के लिए कही, क्या एक्सपर्ट्स आर दे एग्रीइंग विद देम? इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स का अनिका इस तरह से है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं जो जाहिर है कंजर्वेटिव्स हैं कि बिल्कुल सही और यही वजह है, लेकिन बाज एनालिस्ट्स का कहना है कि चूंकि अमेरिका उस खित्ते में यानी मिडल ईस्ट में अपना असर रसूख चाहता है इराक की वजह से और दीगर ममालिक की वजह से और ईरान चूंकि एक खित्ते की ताकत बनकर उभर रहा है तो इसलिए अमेरिका के लिए अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर रहा और उसने इस किस्म की सैंक्शंस लगाई और वो चाहता है कि दुनिया के और ममालिक भी लगाएं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया कौकब, थैंक यू।